मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार की नई अबकारी नीति को लेकर विपक्ष के हंगामे को बेवजह का तूल देने की घटना बताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, विपक्ष सरकार के किसी भी सकारात्मक काम को पहचान नहीं दे पा रहा है और यही वजह है कि नई पारदर्शी आबकारी नीति को लेकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के उन सभी आरोपों को भी सिरे से खारिज किया है जिसे लेकर विपक्ष हिमाचल प्रदेश को शराबियों और नशाखोरी का अड्डा बनाने के आरोप लगा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि नई आबकारी नीति से प्रदेश में नशाखोरी और शराब का प्रचलन बढ़ने जैसी बातें बिल्कुल निराधार हैं। सरकार ने केवल गलत नीतियों को ठीक करने का काम किया है जिससे प्रति वर्ष सरकार को कई सौ करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा था। सरकार ने केवल उन खामियों और गलतियों को ठीक करने का काम किया है और इसके ठीक हो जाने से प्रदेश में अब शराब कारोबारियों के साथ साथ आबकारी विभाग को भी फायदा होने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हम लेने जा रहे हैं और हालांकि इस दृष्टि से बहुत कम प्रदेश हैं जिन्होंने इस तरह से निर्णय लिया है और हिमाचल उसमें पहल कर रहा है और उसमें हिमाचल प्रदेश के मिला करके चार पांच स्टेट होंगे मुझे लगता है पूरे देश भर में, जहां बोतल बनने के बाद शराब की एक बोतल जो है उस पर बारकोड होगा, उस बोतल को कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है और ऐसे में जो स्मगलिंग करने का और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो उसमें मिलावट करने का उस सारी जो आपराधिक सारी गतिविधियां होती थी एक्साइज चोरी का, ये तमाम सारे रास्ते जो है वो बंद होने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, और ये सारी चीज़ें मुझे विचित्र परिस्थिति लगती है कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्यों नहीं हो पाई। ये पारदर्शिता के लिए पैरामीटर्स हैं जो अच्छे काम करने की दृष्टि से बहुत आवश्यक थे, समय पर लिए होते आज वो परिस्थिति नहीं होती। और उन्होंने जो है उल्टी एक आबकारी नीति ऐसी लाई थी जिस आबकारी नीति के ऊपर इतने सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हैं, आज भी वो विषय जो है वो जांच के दायरे में है जो उन्होंने कॉरपोरेशन जो बनाई थी और वो विब्रिज कॉरपोरेशन बनाई थी और उससे 200 करोड़ से ज़्यादा नुकसान प्रदेश को हुआ है। अगर हमारी सारी चीज़ों को लेकर के ये पूछने की बात करें, हमने पारदर्शी तरीके से पारदर्शी एक भी गुंजाइश नहीं रखी, एक चीज़ की गुंजाइश नहीं रखी है वहाँ पर इस प्रकार से एक्साइज पॉलिसी लाई है और जहाँ ये वो शोर डाल रहे हैं ये सारी चीज़ को लेकर के, मुझे सिर्फ उसमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमको बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉसेज हो रहे थे, कारण पड़ोस के राज्यों में शराब सस्ती थी और हमारे यहाँ पर महंगी, और महंगी होने की वजह से बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जो पड़ोस के राज्यों से शराब ला करके हिमाचल प्रदेश में स्मगल करता था और उसके साथ साथ में जो टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट भी अपने साथ लेकर के जो है वो पड़ोसी राज्यों से शराब लेकर के हिमाचल प्रदेश में, हमने इसलिए थोड़ा सा उसमें चेंज किया है और मैं समझता हूँ उस सारी चीज़ को लेकर के उस तरह से लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अभी तक हमने ये सारी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा बात नहीं की, हमने कहा काम पहले करो उसके बाद बात करेंगे, अब हम बात करेंगे लोगों के हम इस सारी चीज़ को लेकर के, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी पारदर्शी तरीके से साफ सुथरे तरीके से ऐसा आज से पहले करते नहीं, हर बार पॉलिसी में कुछ चेंज करते थे, चेंज इसलिए करते थे उसमें कुछ लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए। हमने जो पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश में हमारा रेवेन्यू जो है और ज़्यादा जनरेट हो, हमारा एक्साइज के माध्यम से और ज़्यादा जो है साधन खड़े हो पाए, हमने इस बात को लेकर के उसमें पहले जो करते थे वो तरीका कुछ और तरह का था। हाँ उसमें हमने वो प्रावधान रखा है 50 पैसे की एडिशन और की है, उसमें 1.5 रुपये होगा। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।